audio and come on, babe. Come on, fast. Take position. Trust me, Samira. Acupressure से pain चला जाए. And please, Samira, तुम्हें कुछ दिन अपने ऊपर ध्यान देना होगा. Please rest करो तुम. Samira, मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ. पर इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम खाना पीना छोड़ दो. चलो खा. I know, Samira. We have misbehaved. Please, मुझे माफ कर दो. And I promise you, आगे से future में कभी ऐसी mistake नहीं करूँगा. Please. तुम्हें तो मैंने उसी दिन माफ कर दिया था, रिकी. लेकिन आज जो हुआ, उससे मैं बहुत ज़्यादा upset हूँ. मैंने इतनी सच्ची श्रद्धा से इस घर वालों के लिए पूजा की, प्रार्थना की, और फिर भी यहाँ मुझे कोई trust ही नहीं करता है. समीरा, ऐसी बात नहीं है. हमने विश्वास किया. दरअसल हमें ऐसा लगा कि तुम कमरे के अंदर नहीं हो. बस इसीलिए चिंता हो गई और हम यहाँ तुम्हें ढूंढने आ गए. ये सब मेरी वजह से हुआ है. मुझे लगा मैंने आप लोगों को बाहर टैक्सी में बाहर जाते हुए देखा और आके बा को बता दिया, इसलिए सारी गलतफहमी हुई. जब समीरा इसी रूम में मंत्र का जाप कर रही थी तो तुम ऐसा फिर कैसे सोच सकती हो? अब मुझे लग रहा है शायद मैंने किसी और को देखा होगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना सच जाने तुम ऐसे किसी पे ब्लेम कैसे कर सकती हो? एंड बात जब मेरी स्पेशल वाइफ समीरा की हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या समीरा कितनी कोशिश कर रही फैमिली मेंबर्स के साथ सब मिक्सअप होने की? लेकिन नहीं, तुम ओके मेरी समीरा पे ब्लेम कर रही हो. माता, जो हुआ सो हुआ. मैंने कहा ना, गलती हो गई मुझसे. अब तुम और समीरा मुझे माफ कर दो. और अब मैं समीरा तुम्हें आश्वस्त करती हूँ, तुम्हारे नेक इरादों पर अब कोई शक नहीं करेगा. कशर्ते है कि तुम इन नेक इरादों को सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ पूरे करने की कोशिश करो. जी, बिल्कुल दादी जी. समीरा को हल खिला देना और खाना भी संभालो. थैंक गॉड तुमने सीता को आते हुए देख लिया, वरना तो आज हमारी पोल खुल जाती. इस गवार बेब को मैं जब भी देखता हूँ ना, मुझे गुस्सा आ जाता है. She's so irritated. Relax, Ricky. जो हुआ अब उसे भूल जाओ. हम बच गए, so let's just celebrate now. बेहतर भी होता जा रहा हूँ. सब कैसे भी करके तुम भी ठीक हो जाओ, वो भी जल्दी से, क्योंकि जब तक तुम आसनी बन के मेरे सर पर नहीं खड़ी रहोगी ना, मुझसे कसरत वसरत नहीं होगी. और फिर दोबारा मत कहना कि मैं आलसी बन गया हूँ. सुन रही हो ना तुम? अच्छी बहू के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए. आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी. मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो मैं एक अच्छी बहू
एक अच्छी वाइफ बन सकती हूँ। मैं ये मंत्र और ये व्रत रखना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ दादी जी। मुझे माफ करना, आज मेरी वजह से आपको सबके सामने। एक बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो और कांट बांध लो, यदि हम किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं तो उसका जुर्म साबित करने के लिए हमारे पास सबूत होना चाहिए, वरना पासा पलटते देर नहीं लगती। अरे बेची बात, एक मौका जंग जिता भी सकता है तो एक गलती जंग हरा भी देती है, इसलिए सतर्क और सावधान रहना होगा। समीरा का असली चेहरा सबके सामने मैं अवश्य लाऊंगी, पर उसके लिए पुख्ता सबूत मुझे ढूंढने होंगे। There you go. Cheers. ठोस कदम उठाने का समय आ गया है फ्रेंड्स। अब मैं अपने प्लान को और डिले नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा कोई भी प्लान तुम्हारी हेल्प के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है रिकी। After all, ये सब तुम्हारे लिए तो है। बस अब हमें उस सीता को ठिकाने लगाना होगा। आजकल वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही है। बाप, वो मैं कह रही थी कि जकी काका का घर के नंबर पर फोन आया था, उन्होंने आपके नंबर पर भी कोशिश की लेकिन लगा नहीं। हे कृष्ण भगवान, जल्दबाजी में मैं अपना फोन रमाकांत के कमरे में ही भूल आई हूँ। लगता है उसकी बैटरी भी गई होगी। मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, तब तक उर्मिला बेन के मोबाइल से जग्गी से बात कर लेती हूँ। अब हमारे प्लान का सिर्फ एक्शन होगा। एक्शन। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती मेरी आंखें? दोनों उसी समय यहाँ कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारे प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे समीरा? कोकिला मोदी जैसे जेल जाने वाली ब्रेकिंग न्यूज मिले, इसके लिए हमें क्या करना होगा बताओ? मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, द अल्टीमेट वेपन, जिसका इस्तेमाल करते ही कोकिला मोदी सीधा जेल चली जाएगी। और तुम ये चाहती हो कि जब पुलिस दादी जी को अरेस्ट करके लेके जाए तब मैं कुछ ना करूं। There you are. Just a minute. यहां तो कोई नहीं है, आवाज कहां से आई? कौन था? I don't know. कुछ आवाज तो आई थी लेकिन कोई दिखा नहीं। Never mind. Cheers. Cheers. क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अस्पताल से फोन आया था, सब ठीक है ना महा? नहीं बाप, गोपिका की ठीक है, लेकिन बाप मैंने अभी अभी
समीरा को पिकू और रमाकांत से बात करते हुए सुना। क्या सुना? वो सब मिलके आपको जेल भिजवाने का प्लान कर रहे हैं। कोकिला मोदी को जेल? सीता शांत हो जाओ और डरने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम कृष्ण भगवान की कृपा से वो क्या योजना बना रहे हैं उसके बारे में हमें पहले ही पता चल गया। मीपा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे सच में कर दिया तो? और इस बार भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है बाप, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा है मुझे कि रमाकांत भी इस प्लान में उनके साथ मिला हुआ है। सीता, मैं शत प्रतिशत जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। रही बात रमाकांत की, तो कभी कभी जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो व्यक्ति ही हमें सबसे ज्यादा दुख देने की क्षमता रखता है। रमाकांत हमारे विरुद्ध जाकर उनका साथ दे रहे हैं, ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। लेकिन बाप, अब हम क्या करेंगे? फिलहाल तो इसी में हमारी होशियारी है कि हम ये जताएंगे ही नहीं कि हमें उनकी योजना के बारे में पता चल गया है, और ना ही तुम किसी को कुछ बताओगी। समझी गई? ये गवार बेब, तुम बड़ी चालाक निकली। अच्छा हुआ मैं कोकिला मोदी का फोन देने आया, वरना मुझे सब पता नहीं चलता। मुझे अभी के अभी समीरा को सब कुछ बताना पड़ेगा। इस सीता को तो मैं देख लूंगा। तुमने हमारा राज जाना है और मैंने तुम्हारा। अब हम तुम्हें ऐसा घुमाएंगे कि तुम सब कुछ जानकर भी कोकिला मोदी को बचा नहीं पाओगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।